भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 देखने वाले 5 बातें जान ले। दोस्तों, सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को देखने के लिए लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आपको, दोस्तों अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो आपको फिल्म देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, जो सबसे पहली बात वो ये है, जिस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में अमरपाली का जलवा हमें देखने को मिला था और एक नई अभिनेत्री हमको देखने को मिली थी, भला कि उसके बाद सभी फिल्में सुपर डुपर हिट हो चुकी थी, इसका कारण ये था निरहुआ की और अमरपाली की जोड़ी हमारे दिमाग में बस चुकी थी, हमको बहुत मजा आ रहा था वो जोड़ी को देख के। उसी तरह दोस्तों दिनेश लाल यादव के साथ इस बार मेन रोल पे नजर आएंगी संचिता बनर्जी। और दोस्तों दूसरी बात ये है, जिस तरह हमें निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में शादी के ऊपर कॉमेडी देखने को मिली थी, उस तरह हमें दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में भी शादी के ऊपर कॉमेडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में जिस तरह से शादी से भाग कर चले जाते हैं मुंबई, उस तरह बताया जा रहा है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में भी शादी से भाग के निरहुआ जी चले जाते हैं मुंबई। और तीसरी बात ये, मुंबई जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है संचिता बनर्जी से, जो कि दोस्तों वहाँ एक अमीर घराने की होती हैं। उसके बाद दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली नजर का प्यार हो जाता है और उनको सपनों की रानी निरहुआ हिंदुस्तानी 1 की तरह मिल जाती है। दोस्तों, जिस तरह निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में हुआ था कुछ, उस तरह निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में हुआ और उसके बाद संचिता बनर्जी गांव में आ जाती हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ। और दोस्तों, जिस तरह हमें 1 में कॉमेडी देखने को मिली थी, उस तरह हमें 2 में कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद पांचवी बात ये है, दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से एक बार भोजपुरी का झंडा लहरा देंगे मुंबई तक। वो बता देंगे कि मुंबई वालों की कोई औकात नहीं है भोजपुरिया जवान के सामने, जिस तरह उन्होंने निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में किया था। वो बता देंगे कि एक शहर की लड़की की कोई औकात नहीं है गांव की लड़की के साथ। तो एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ बता देंगे कि वो अपने नाम के कारण नहीं, अपनी फिल्मों के कारण जाने जाते हैं। धन्यवाद।